नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंस के बारे में। इसे अपने वॉचलिस्ट पर बनाए रखें क्योंकि इसके बाइंग के लेवल नजदीक आने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से हैं वो लेवल जहां पर हमें बाइंग के बारे में कंसिडर करना चाहिए और कहां से हमें बायोन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ इसमें बाइंग शुरू करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सीमेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं सीमेंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1068 रुपीज़, जो कि है 0.03% नीचे। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 947 रुपीज़, जिससे ये थोड़ा ही ऊपर चल रहा है, लेकिन अपने 52 वीक हाई 1708 से ये अच्छा खासा नीचे चल रहा है। अगर बात करें टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे बियरिश बताते हैं, और वैल्यूएशन की बात करें तो 38,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो है 37.55 और इंडस्ट्री का पी है 39.44, यानी कि इंडस्ट्री के पी के आसपास ही हमें अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 4.2, डिविडेंड यील्ड है 0.66% का, और डिलीवरेबल्स जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है 28.97% के। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कि कौन से लेवल्स और टारगेट्स इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 1600 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 950 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और थोड़ा सा अपमूव दिखाया, लेकिन फिर करेक्शन देखने को मिला था, फिर से ये ऊपर गया, लेकिन अभी ये नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो जो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर निकल कर आता है वो 58.5, यानी कि अभी भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करता है मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर। अब बात करते हैं RSI के बारे में, तो RSI का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 45.91। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है RSI के नंबर में, यानी कि ये संकेत है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी सी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। MACD के बारे में भी जान लेते हैं, तो MACD की जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि बियरिश क्रॉसओवर के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर दिखाई देती है। अब देख सकते हैं बियरिश क्रॉसओवर होने ही वाला है, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड था वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अपर बैंड है वो कैलकुलेट होकर आता है वो 1168, मीडियन जो है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास। अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में, 980 के आसपास का लोअर बैंड यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स भी दिखाना चाहूँगा, तो जो पिवट लेवल निकल कर आ रहा है वो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। जो रेजिस्टेंस था उसको इसने क्रॉस कर दिया था, लेकिन वहाँ पर सस्टेन ना होने के कारण फिर से ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे जो हमें सपोर्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए वो है 1011 का सपोर्ट, अगर उससे भी ये नीचे जाता है तो 934 का सपोर्ट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट ऑल टाइम चार्ट पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि वैसे तो इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहां पर बीच में बहुत बार डीप करेक्शन भी देखने को मिलता है, इसलिए इसमें संभल कर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी ऐसा डीप करेक्शन आए तभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर बात करें इसमें पोजीशंस के बारे में, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन ले रखी है तो मेरा मानना है होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बुरी कंपनी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अगर आपने नीचे पोजीशन ली है, अगर आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकल भी सकते हैं। जब तक बात है फ्रेश बाइंग के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 1000 रुपीज़ का लेवल। मैंने पहले भी आपको इस लेवल में बाइंग करने को किया था, उसके बाद हमें अच्छी खासी अपमूव देखने को मिली, लेकिन फिर से ये उसी रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1000 रुपीज़ का लेवल इसके लिए अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर इसने काफ़ी बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड आता है, पिवट पॉइंट्स आता है, वो सभी सिचुएशन 1000 रुपीज़ के आसपास ही दिखाई देती है, जो कि 950 से 1000 रुपीज़ का रेंज। इसलिए 950 से 1000 रुपीज़ का रेंज में अगर आपको ये स्टॉक दिखता है तो थोड़ी सी पोजिशन बनाने में मुझे कोई हर्ज दिखाई नहीं देता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।